हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं DFCIL एग्जाम जो हुआ है अभी 10 अक्टूबर को, सॉरी 10 नवंबर को और 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर को, उसी से कार्य जो कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ये कोई रियल कट ऑफ नहीं है। जो फाइनल कट ऑफ होगा इसी के नियर अबाउट रहेगा, आसपास। दूसरी बात, और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मेरा एक फेसबुक पे एक पेज बना हुआ है एग्जाम फॉर्म के नाम से। वहां पे मैं स्टूडेंट से पूछा था, अगर आप किसी का भी DFCIL का एग्जाम है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं अटेम्प्ट और आपके कितने लगभग सही हो सकते हैं। तो उसी पे मैंने सर्वे किया था, तो सर्वे में करीब करीब 2370 स्टूडेंट ने अपना कमेंट बॉक्स में नंबर बताया था कि सर मेरा इतना नंबर है, मेरा कैटेगरी ये है। तो उसी बताए हुए नंबरों और कैटेगरी पे आधारित है DFCIL का एग्जाम है। तो इसमें मैं कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरी, जैसे जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST, सभी का अलग अलग कट ऑफ बताने वाला हूँ। और ये 100% रियल नहीं कह सकते, लेकिन 99% रियल कट ऑफ ये के पास ही जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक इस चैनल, हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज इसको, यहाँ पे आपको एक रेड बटन दिख रहा है, इस पे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज DFCIL एग्जाम जो हुआ उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में जो ज्यादातर स्टूडेंट ने बताया, और उसका उस हिसाब से जो कट ऑफ जा सकता है 70+, यानी कि 70 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ने जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ बताया 70 का बताया, हमारे क्वेश्चन सही हैं, या फिर 80, 85, 75, 72, तो उसी हिसाब से जो सर्वे निकल के आ रहा है, तो जनरल का जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है 70+। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन मार्क्स 70-70 के आसपास आ रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अगला हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 62+ के करीब। यानी कि इसमें जो ओबीसी में 2370 में जो ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे वो ओबीसी कैटेगरी के दिए थे, इसमें करीब करीब 1418 करीब करीब स्टूडेंट थे जिसमें ओबीसी कैटेगरी का कमेंट किए थे। तो इसका ओबीसी का जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है 62+। अगला जो कैटेगरी आता है वो आता है एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकता है आपका, जा सकता है 55+। इसमें जो स्टूडेंट ने सर्वे में दिया था, इसमें थे करीब करीब 500 कुछ प्लस स्टूडेंट थे जिन्होंने एससी कैटेगरी में कमेंट किया था। तो उस हिसाब से, इस सर्वे के आधार पे जो आपका DFCIL एग्जाम हुआ उसका जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है एससी कैटेगरी का 55+। अगले हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में सबसे कम स्टूडेंट हम कमेंट किए थे, एसटी कैटेगरी में थे करीब करीब 250 स्टूडेंट। तो इसका जो कट ऑफ बन के निकल के आता है वो आता है आपका 50+। यानी कि इन कैटेगरी वाइज अगर आपके मार्क्स इसके आसपास हैं या 5-10 नंबर इधर उधर हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, और इसी के आसपास भी रियल कट ऑफ जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप जनरल में आते हैं, आपका 65, 70, 75, 85 या कोई भी नंबर 70 के आसपास है तो ज्यादा संभावना है कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं DFCIL के एग्जाम में। तो ये था DFCIL का एग्जाम जो हुआ है उसका संभावित कट ऑफ, जो कि एक सर्वे के आधार पर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपका रियल कट ऑफ आएगा इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि एक संभावित कट ऑफ है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को, मैं विदाई लेते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है लेटेस्ट अपडेट और सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर और GK GS। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।